नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश सीसीए और आरसीए के विरोध में उमड़ा जनसैलाब, विभिन्न संगठनों और छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन में पुरुष के साथ मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों में भी भारी आक्रोश देखा गया। संगठनों और छात्रों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। देखते हैं संवाददाता रामजी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उस पर सारे पुलिस और लोगों का इस तरीके से जो वायलेंट और ब्रूटल उन पर जो देखा गया, वो पूरे इंडिया ने देखा कि किस तरीके से लोगों ने उन पर वो किया। ये कोई तरीका नहीं है। ये अगर हमारा इंडिया ये करने, जो लोग अगर ये करने लगेंगे तो फिर इंडिया की जो यूनिटी है वो कहाँ जाएगी। ये हिंदू मुस्लिम की चीज़ें है ही नहीं। सबसे पहली बात, ये एक हक की बात है जो हर इंसान का, हर सिटीजन का, जो इंडिया के सिटीजन है उनका ये हक है कि वो अपने हक के लिए लड़ सके। और अगर आप इस चीज़ को किसी हिंदू मुस्लिम बेसिस पे ले जा रहे हैं तो ये पहली बात तो ये है ही नहीं। और मुसलमान सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें टारगेट किया गया है। दैट्स व्हाई सब उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इंडिया की हर यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस पर प्रोटेस्ट कर रही हैं जस्ट बिकॉज ये गलत हो रहा है। दैट्स व्हाई वी स्टैंड फॉर दैट। सिर्फ मुस्लिम्स क्यों अपनी नेशनैलिटी प्रूफ करें? अगर प्रूफ करना है तो सब प्रूफ करें। सिर्फ मुस्लिम्स क्यों प्रूफ करें? हम यहाँ रह रहे हैं, हर इंसान यहाँ रह रहा है। वी आर इंडियन, वी आर नॉट मुस्लिम और हिंदू। पहले जिन्होंने रूल बनाया है, पहले जिन्होंने रूल बनाया है, इनको प्रूफ करें कि वो इंडियंस है, फिर हम प्रूफ करेंगे कि हम इंडियंस। मैडम सरकार कह रही है कि हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ से लेकर के आएंगे? इतने डेटा नहीं होते हमारे पास। सिर्फ मुस्लिम से क्यों दिखाना है कि अपनी उन्हें दिखानी चाहिए। आजादी में लोग नहीं थे तो खाली वही लोग अकेले थे। वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो इस गवर्नमेंट को गिरा देना चाहिए क्योंकि किसी भी सिटीजन से एकदम से बोल दिया जाए कि आप यहाँ के सिटीजन ही नहीं है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? जब हम वैलिडिटी नहीं है तो हमारे वोट कैसे वैलिड होंगे? ये तो इंडिया के लोगों के लिए नहीं है, ये तो विदेश में जो सिटीजन के लिए नहीं है, ये जो बाहर से आ रहे उनके लिए है। तो ये बताइए, वो यहाँ की माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे, यहाँ पर रेप हो रहा है उनको प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे, और अगर बाहर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की आप बात करें तो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को लेकर क्या आते हैं? रिलीजन क्यों मेंशन किया उसमें? क्यों एक रिलीजन को टारगेट किया गया? प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ठीक है, अगर उसको बुला रहे ठीक है, अगर अच्छी इंटेंशन से बुला रहे तो ठीक है, लेकिन एक रिलीजन को अलग क्यों किया गया उसमें? प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज बहुत है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ से क्यों नहीं लिया? Yeah.
की संख्या में भीड़ इकट्ठी है जो संविधान बचाओ और CAA और इसका विरोध कर रही है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।